आंखों में आंसू, दिल में दर्द, योगी और गुंजन के बीच खत्म हो गया सब। इसे देखकर तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि योगी और गुंजन शादी के बाद भी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। आज गुंजन योगी से खफा होकर घर छोड़कर जा रही हैं। तो चलिए गुंजन से ही जान लेते हैं कि शादी के कुछ दिनों बाद ही वो इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही हैं। हाँ, घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि कोशिश करती हूँ, बट मैंने गेट टू नो दैट योगी लव्स परी, मुझे प्यार नहीं करता। तो फिर शादी का मतलब क्या है जब कोई खुश नहीं है? इसलिए घर छोड़ के जाना चाहती हूँ, बट देन योगी फाइनली रियलाइजेज दैट ही वॉन्ट्स मी टू स्टे। अब आपको तो पता ही है कि गुंजन ये बात अच्छे से जानती है कि योगी अब उन्हें नहीं बल्कि परी से प्यार करते हैं। यही बात गुंजन को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तमाम कोशिशों के बाद भी गुंजन खुश नहीं रह पाती हैं। लेकिन अभी अभी योगी के घर से एक तूफान टला है। निशा भाभी और कबीर भैया के रिश्तों में आई दूरी का पता सबको चल चुका है। अब योगी ये दूसरा तूफान घर में नहीं लाना चाहते हैं। तभी तो योगी अपने घुटनों पर बैठकर गुंजन से माफी मांगते दिख रहे हैं। गुंजन, आपको क्या लगता है कि योगी को हुए इस रियलाइजेशन की वजह क्या है? हाँ, मुझे लगता है निशा और कबीर का जो केस हुआ है उसमें जो कबीर चीट करते हैं निशा पे, तो निशा को बहुत बुरा लगता है। तो वो देख के योगी को शायद रियलाइजेशन होता है कि गुंजन को कितना बुरा लग रहा है। ऑफकोर्स ही इज स्टिल इन लव विद परी, बट आई थिंक समवेयर शादी हो गई है, आई एम द वाइफ, तो मे बी। वाकई ये बेहद क्यूट मोमेंट है। तो भला योगी के इस जेस्चर को देखकर गुंजन कैसे जा सकती हैं? योगी के मनाने पर गुंजन मान जाती हैं और उन्हें हग कर लेती हैं। गुंजन, आपको नहीं लगता कि आप दोनों के रिश्ते में अब भी कोई ना कोई गुंजाइश बची हुई है? ऐसा लग तो रहा है ना, लेट्स सी संभलता है या नहीं। खैर, गुंजन तो रुक गई है, लेकिन परी से दूरी योगी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी तो योगी ने अपनी क्या हालत बना ली है। खिड़की पर बैठे योगी की हालत तो वाकई दिल तोड़ देने वाली है। अब देखना ये होगा कि क्या योगी इस बार भी अपनी फैमिली और गुंजन के बारे में ही सोचते हैं या फिर वो अपने और परी के रिश्ते को एक और मौका देंगे। मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट, E24।